आज आषाढ़ शुक्ल तृतीया बुधवार 21 जून 2023 है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्रीनाथ जी सहित समग्र पुष्टि सृष्टि में रथ यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। इससे पहले कि प्रभु श्री जी के आज के अर्थात रथ यात्रा उत्सव के दर्शन करें, पुष्टि सृष्टि की चंद हवेलियों से आज के रथ यात्रा उत्सव के दर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। एक और तथ्य भी है, आज जो प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन हमने रखे हैं, हालांकि इनकी प्रस्तुति हम गत कल कर चुके हैं, परंतु जो वैष्णव दर्शन करने से चूक गए हैं उनके लिए प्रभु श्रीनाथ जी में आज का सेवा क्रम, होने वाले परिवर्तन और प्रभु के दर्शन रखे हैं। भाव कीर्तन के साथ प्रभु के अद्भुत दर्शनों का आनंद लीजिए। आज तुम देखो सखी रथ बैठे हरि आज रथ बैठे हरि आज तुम देखो सखी रथ बैठे हरि आज अग्रज अनुज संगीत श्याम गन अग्रज अनुज संगीत श्याम गन सबे मनो हर साज तुम दे ओ सखी रथ बैठे हरि तुम देखो सखी हाटक कल सा ध्वजा पताका हाटक कल सा ध्वजा पताका छत्र चमर सिर आज छत्र चमर सिर ये तुरंग चाल अति चपल चले इससे पहले कि प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करें, एक तथ्य से आपको अवगत करवा देते हैं। रथ यात्रा के दूसरे दिन प्रभु श्री जी में रथ के भाव की पिछवाई सजाई जाती है
और रथ यात्रा के दूसरे दिन ही वर्ष भर में 12 महीनों में केवल एक दिन के विशेष श्रृंगार धराए जाते हैं, अतः कल के दर्शन करना न भूलें। आप सभी को रथ यात्रा उत्सव की पुनः एक बार खूब खूब बधाइयाँ। आइए अब पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथजी मंदिर से आज की श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। रथ यात्रा होने से प्रभु श्री जी मंदिर में सेवा क्रम कुछ विशेष रहता है, जिसके तहत श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से लीप कर मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। चारों समय मंगला राजभोग संध्या आरती व शयन की आरती थाली में की जाती है। आज सिंहासन चरण चौकी पड़गा झारी जी बंटा जी आदि जड़ाव स्वर्ण के धरे जाते हैं। गेंद चौगान दीवाला आदि भी सभी चांदी के आते हैं। मिट्टी के कुंजों में शीतल सुगंधित जल भरकर कलात्मक रूप से वस्त्र में लपेटकर प्रभु के सम्मुख चांदी के पड़गा के ऊपर रखे जाते हैं। चांदी के त्रष्टि जी भी धरे जाते हैं। मंगला दर्शन में आज श्री जी को श्वेत धोरे वाला उपरना धराया जाता है। उपरना सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होता है। मंगला दर्शन पश्चात प्रभु को चंदन आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज से आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तक प्रतिदिन राजभोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख चांदी का रथ रखा जाता है। भोग सेवा में श्री जी को आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में कूर के गुंजा और दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। श्री जी को उत्सव भोग भी गोपी वल्लभ भोग में ही धरे जाते हैं। उत्सव भोग में विशेष रूप से आम जामुन अंकुरी के बड़े थाल शीतल में दो हांडा खरबूजा के बीज चिरौंजी के लड्डू खस्ता शक्करपारा छुट्टी बूंदी दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा बर्फी दूध पूड़ी बासुंदी जीरा मिश्रित दही केसरी सफ़ेद मावे के गुंजिया तले हुए बीज चालनी के सूखे मेवा विविध प्रकार के संदाना के बटेरा विविध प्रकार के फल फूल आदि अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अनसखड़ी में दाग का रायता आदि विशेष सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। आज प्रभु को उष्ण काल की विशिष्ट सामग्री सतुआ अंतिम बार अरोगाए जाते हैं। कल से प्रभु को मगध के लड्डू पुनः अरोगाए जाने आरंभ हो जाएंगे। श्री जी दर्शन करें तो श्री जी की साज सेवा में आज सफेद मलमल की सुनहरी जरी की धोरे वाली पिछवाई धराई जाती है। नित्य की भांति ही गादी तकिया और चरण चौकी के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को श्वेत डोरिया के वस्त्र पर सुनहरी जरी के धोरा वाला पिछोड़ा धराया जाता है। केसरी डोरिया के ठाड़े वस्त्र धराए जाते हैं। श्री जी की श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद से 2 अंगुल ऊंचा भारी श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण हीरा के मिलमा धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर श्वेत कुल्हे के ऊपर सिर पेच 5 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाई ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। आज हांस चोटी पायल आदि नहीं धराए जाते हैं। श्रीकंठ में कली वल्लभी आदि सभी माला नीचे पदक ऊपर माला हार आदि सब धराए जाते हैं। सफ़ेद एवं पीले पुष्पों की कलात्मक 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। पीठिका के ऊपर मोती का चौकटा धराया जाता है। श्रीहस्त में प्रभु के कमल छड़ी हीरा के वेणु जी तथा 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज के तहत आज पट उष्ण काल का व गोटी मोती की आती है। श्री जी के सन्मुख चांदी का रथ रखा जाता है।
वहीं श्री जी की राग सेवा में आज मंगला में कुंवर चलो जो आगे गहवर वन, राजभोग में गोवर्धन पर्वत ऊपर, आरती में गाय सब गोवर्धन ते आई, शयन में सुंदर बदन रे सुख सदन, मान के पद में तेरो मन गिरधर बिन्न रहे गो, पोढ़वे के पद में पोढ़िए लाल लाडली संग कीर्तनों का गान किया जाता है। इसके अलावा श्री जी के सेवा क्रम में आज से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी होते हैं। उष्णकाल लगभग पूर्ण हो चुका है और वर्षा ऋतु आरंभ होने को है, अतः अब सेवा क्रम में मंगला से सभी दर्शनों में कीर्तनों में राग मल्लहार गाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन मंगला में आड़बंद के स्थान पर उपरना धराया जाएगा। आज से श्री जी को पुनः ठाड़े वस्त्र धरने प्रारंभ हो जाएंगे। यद्यपि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तक मुख्य दिनों को ही ठाड़े वस्त्र धराए जाएंगे, तदुपरांत प्रतिदिन प्रभु को ठाड़े वस्त्र धराए जाएंगे। शीतल जल के फंवारे, खस के पर्दे, खस के पंखा, जल का छिड़काव, प्रभु के सम्मुख जल में रजत खिलौनों का थाल, मणिकोठा में पुष्पों पत्तियों से सुसज्जित फुलवारी आदि उष्णकाल के द्योतक साज आज से पूर्ण हो जाएंगे। निकुंज नायक प्रभु श्रीनाथ जी के अलावा आज श्री नवनीत प्रिया जी सहित अन्य सभी पुष्टि मंदिरों में चार राजभोग होते हैं। श्री प्रिया जी हर राजभोग में अलग दिशा से विहार करते हैं। प्रारंभ पहले राजभोग में दक्षिण से होता है, इसी क्रम में तीनों राजभोग में अलग अलग दिशाओं से विहार करते हैं। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग के हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। सुन नीरा खाए नए नए मन।
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।